आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के रीवा में आज दोपहर हुई बारिश के बाद मौसम विशेषज्ञ ने बताया है कि रीवा जिले में कल यानी 22 मार्च को भी बारिश की संभावना रहेगी, जहां जिले के त्योथर और नईगढ़ी ब्लॉक को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 25 और 26 मार्च को भी जिले में तेज गति से हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। रीवा के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि जिले में बारिश की संभावना के चलते किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित जगह पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि सरसों, चना, मसूर की अधिकांश फसल कट चुकी है, जबकि गेहूं की फसल अभी कटना बाकी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिले में ओले गिरने की संभावना नहीं है, जिसके चलते किसानों की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तेज गति से चलने वाली हवाओं से इस सीजन में आम को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। फिलहाल मौसम विभाग ने रीवा जिले में एक बार फिर 22, 25 और 26 मार्च को बारिश होने की संभावना जताई है और इसे लेकर किसानों को भी सतर्क किया गया है। तो आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक से रीवा के मौसम का हाल। ये अभी ओलावृष्टि और बारिश हो रही है लगातार, इससे किस तरह की फसलों को नुकसान है और भी कैसी स्थिति है इस जिले में? मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि अगले 5 दिन की जो मौसम की जानकारी है, पहले उसके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो कल से 22 से लेकर 26 तक की मौसम की जानकारी मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगी कि 22 तारीख को रीवा जिले के 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में से त्योथर और आपका क्या कहते हैं नईगढ़ी, दो ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो सारे ब्लॉक में 22 और 25 और 26 तारीख को हल्की वर्षा होने की संभावना है। हवाएं जो हैं आपके यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना, वो भी आपका जो है 23, 25 और 26 को थोड़ा तेज़ हवाएं चलेंगी। बाकी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है आपके यहाँ पे, तो 5 दिन का मौसम ऐसा रहने वाला है आपके यहाँ, बादल क्लाउड कवर, मतलब बादल थोड़े छाए रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फसल कट चुकी है, खेत में पड़ी है, तो उसको आप कहीं सुरक्षित जगह में रख लें ताकि आपकी जो कटी फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैसे तो अभी जितनी भी किसान भाई हैं उनकी सरसों की, चना की, मसूर की फसल कट चुकी होगी। फिलहाल जिसकी फसल नहीं कटी हुई है, अगर मान लीजिए ओला वैसे पड़ने की संभावना नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी ओला पड़ती है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यू अगर पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत फसल में दिक्कत समझ में आएगी। और गेहूं की फसल में ये है कि अभी जैसे जो अभी कुछ दिन पहले मौसम, 2-3 दिन पहले जो मौसम था उसमें हवाओं की गति बहुत तेज़ थी, जब तेज़ गति से हवाएं चलेंगी और वर्षा बहुत तेज़ रहेगी, लंबे टाइम तक के लिए रहेगी, तो हो सकता है कि आपकी फसल या तो लेट जाएगी हवा के कारण से। बाकी वैसे ज़्यादा क्षति नहीं है, क्षति सबसे ज़्यादा जो है वो है आपकी आम की बौर की फसल में, बौर जो आई है वो आपकी झड़ जाएंगी, क्योंकि हवा है, पानी है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इस कंडीशन में जब आम की बौर आ जाती है या आम की जो छोटी छोटी टिकोरियाँ हैं या फल लगना स्टार्ट हो जाता है, उस समय पर जब मौसम थोड़ा बदलता है तो आम की बौर को थोड़ा नुकसान उससे समझ में आता है। क्या माना जाए इस बार आम की फसल? नहीं, उससे कोई बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा थोड़ा मौसम चेंज हुआ है इस कारण से ऐसा हो रहा है, बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए पड़ेंगी। वैसे भी आम की फसल में ये माना जाता है कि जितना उसमें बौरें आती हैं, फूल लगती हैं, उतनी फसल उसमें उतने ज़्यादा फल कभी नहीं लगते, क्योंकि आम की में झड़ने की जो समस्या है उसमें नंबर ऑफ फ्लावर सेट जितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट सेट उतने कभी नहीं होते हैं। देखा जा रहा है गेहूं की भी फसल को काफ़ी, हाँ गेहूं की फसल को भी अभी जो 2 दिन पहले बारिश हुई है उसमें जो मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था शाम के समय पे, तो देखा गया है कि बहुत जगह पे जो किसानों की जो फसल है वो वर्षा के कारण से, तेज़ हवा के कारण से लेट गई हैं फसलें वो। तो ऐसे अभी कंडीशन नहीं बनी है जो 5 दिन है, क्योंकि हवाएँ बहुत तेज़ नहीं हैं आपकी जो है 8 से 10 किलोमीटर चलेंगी, तो उसमें ज़्यादा संभावना नहीं है कि फसल को अब कोई नुकसान हो सकता है। पहले जो नुकसान हुआ है, अब पहले जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री कुछ बात कर सकते हैं कि भाई किस किस जिले में कितना नुकसान हुआ है, जैसे अब रीवा डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है, कितने परसेंट नुकसान किसान जो है वो लॉस में जा रहे हैं, उस हिसाब से उनका जो रहता है वो अपने हिसाब से जो काम उनको करना रहता है वो करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि रीवा में कितने परसेंट लॉस किसानों को हुआ है।
एक पहले अनुमान लगाया जाता है, एक पहले जानकारी क्वेरी ली जाती है हर ब्लॉक वाइज कि इस ब्लॉक में कितने परसेंट किसानों की कौन सी फसल खराब हुई है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँ किसान भाइयों को, अगर आप फसल खलिहान में रखे हैं या फसल आपके खेत में पड़ी हुई है कट करके, तो कृपया करके उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखें या पन्नी से ढकने की कोशिश करें, उसको लेकर आएँ अपने घर में कहीं पन्नी से ढक के रखें, ताकि जो फसल आपकी बची हुई है फिलहाल वो आपकी बची रहे, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। शुभ नाम आपका। मेरा नाम है मंजू शुक्ला, एग्रोमेट ऑब्जर्वर, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा।